हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पेटीएम में से फ़्लाइट टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए पहले आपको अपनी पेटीएम अकाउंट में जाना है। जाने के बाद गाइस, यहां पे आपको फ्रंट में दिखाई देगा फ़्लाइट बुकिंग ओपन, यहां पे दिखाई देगा। तो यहां पे गाइस, पहले लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट टिकट बुकिंग नहीं हो रहा था, अभी बुकिंग ओपन हो चुका है। तो यहां पे पढ़ सकते हैं, बुकिंग ओपन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे गाइस, आपको क्लिक करना है। अगर आपका यहां पे फ्रंट में नहीं आ रहा है तो यहां पे आपको मोर के सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ़्लाइट टिकट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको अपना फ़्लाइट टिकट यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको वन वे करना है तो वन वे पे क्लिक करना है। अगर आपको राउंड ट्रिप करना है तो राउंड ट्रिप पे आपको क्लिक करना है। यानी कि आपको रिटर्न टिकट करना है तो यहाँ पे राउंड ट्रिप पे क्लिक करना है। यानी कि आपको जाने का और आने का दोनों का यहाँ पे टिकट करना है, राउंड ट्रिप का मतलब। और वन वे का मतलब यहाँ पे आप सिर्फ जाना चाहते हैं फ़्लाइट में और रिटर्न नहीं करना चाहते हैं। तो चलो मैं आपको बताने के लिए राउंड ट्रिप पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको फ्रॉम यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ से आपको जाना है और कहाँ को जाना है, यहाँ पे टू पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। आप जहाँ से जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और मैं बेंगलुरु जाना चाहता हूँ दिल्ली से, तो यहाँ पे टू वेयर पे मैं बेंगलुरु पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली टू बेंगलुरु यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के लिए मांग रहा है कि कौन सा डेट में आप जाना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आज 31 तारीख है और 31 तारीख का यहाँ पे प्राइस है 4994 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जून जुलाई तक का एक ही रेट है सब। तो यहाँ पे अगर आप 2-3 दिन या फिर 10 दिन के अंदर फ्लाइट टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे वही प्राइस आपको लगेगा 4994। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है कितने तारीख को कितना प्राइस लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गाइस, आप अभी से 2-3 महीने के बाद वाला टिकट काट रहे हैं तो यहाँ पे आपको कम रेट लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पे मई का महीना है, यहाँ पे 31 तारीख है आज। और यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये जून का है और जुलाई अगस्त। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त के महीने में 25 तारीख को यहाँ पे 3331 रुपये पड़ेगा, 25 तारीख से 31 तारीख को। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 तारीख तक का, सितंबर 7 तारीख तक का टिकट है और आगे तो अभी नहीं दिखा रहा है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे इतनी गैप रख दिया है कि 2 महीने तक यहाँ पे आपको वही प्राइस लगेगा, नहीं तो कम रेट लगता है 1-2 महीने के बाद वाला टिकट काटते हैं तो आप। तो चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 तरीका कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ये 2 तरीका कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये बोल रहा है सिलेक्ट रिटर्न डेट, आप कब रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे 5 तारीख कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से 5 तारीख यानी कि ट्यूसडे और फ्राइडे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैवलर्स अडल्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कितना लोगों का टिकट करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपका अगर 12 साल से ज़्यादा वाला लोग यहाँ पे आप 3 हैं तो 3 यहाँ पे आपको करना है ऊपर, अगर आप 2 हैं तो 2 कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। और आपका अगर 2 साल और 12 साल के अंदर कोई चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 3 चिल्ड्रन है तो 3 यहाँ पे कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे आप 2 साल के नीचे वाला कोई बच्चा है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे ऊपर 2 कर लेता हूँ। और गाइस, यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करना है, आप कौन सा क्लास में जाना चाहते हैं, इकोनॉमी या प्रीमियम इकोनॉमी या फिर बिजनेस क्लास, कौन सा क्लास में आप जाना चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे इकोनॉमी पे रहने देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद डाउन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अडल्ट और 2 चिल्ड्रेन। और गाइस, यहाँ पे आप 100 फ्लाइट यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, फ़्लाइट सर्च। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्च फ्लाइट पे। तो क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे दिखाई देगा उतने तारीख को कितना फ़्लाइट है, कौन कौन सा फ़्लाइट है और कौन सा कितने टाइम में आपको फ़्लाइट मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम को आपको फ्री, कितना टाइम में आप फ्री हो, कितना टाइम में आप जाना चाहते हैं, उस टाइम में आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा फ़्लाइट में जाना है। तो चलो मैं यहाँ पे ये फ़्लाइट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 4994 हैं और यहाँ पे 5114 है रिटर्न टिकट का यहाँ पे है। और यहाँ पे जो जाने वाला है
उसका टिकट है, आप जो चाहेंगे उसका टिकट है, उसका प्राइस है और ये रिटर्न का प्राइस है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो ना, कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने प्राइस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्राइस में आपको अच्छा लगेगा, कौन सा टाइम में आपको जाने के लिए अच्छा लगेगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना लोगों का जोड़ के यहाँ पे 10,108 रुपये यहाँ पे हुए हैं। तो चलो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो आपको भी ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में आपको 19:40 यानी कि 7:40 पे आपका फ्लाइट होगा दिल्ली में, और आपको पहुँचाएगा 10:25 पे आपको बेंगलुरु पहुँचा देगा। तो यानी कि आपको 2:45 में आपको दिल्ली से बेंगलुरु पहुँचा देगा। और गाइस नीचे आप देख सकते हैं रिटर्न टिकट यहाँ पे है बेंगलुरु टू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको 20:45 यानी कि आपको 8:45 पे आपका फ्लाइट है बेंगलुरु से दिल्ली, और आपको 11:25 पे पहुँचा देगा यानी कि 2:40 लगेगा रिटर्न टिकट का। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बैगेज अलाउंस, यहाँ पे आप हैंडबैग 7 kg तक ले सकते हैं और चेक इन बैग 20 kg तक ले सकते हैं। और यहाँ पे रिटर्न पे हैंडबैग 7 kg और चेक इन बैग 15 kg। और गाइस यहाँ पे आप मेक दिस ए पैकेज, आप अपने हिसाब से पैकेज यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे सेब 101, सेब 351 आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। और गाइस आप लेना नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक पे यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। और यहाँ पे आपको ऑफ़र, कैशबैक ऑफ़र यहाँ पे आप प्रोमो कोड डाल सकते हैं, कौन सा प्रोमो कोड डालना चाहते हैं अपने हिसाब से ऑफ़र के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे ये ऑफ़र पे क्लिक कर लेता हूँ ये प्रोमो कोड पे, और यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है सिक्योर योर ट्रिप, यानी कि आप यहाँ से इंश्योरेंस कर सकते हैं। आप 249 रुपये देकर आपका बैगेज लॉस हो गया तो आपको 20,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, आपका ट्रिप डिले हो गया तो यहाँ पे 10,500 मिलेंगे, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पे आपका 20,00,000 तक यहाँ पे आपके फैमिली को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा आपके ट्रैवल के थ्रू आपको कुछ हो गया तो। तो गाइस यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 249 रुपये यहाँ पे आपको क्लिक करके अपने अकाउंट में से कट करना है। और आपको यहाँ पे ये नहीं करना है तो नो आई डोंट नो विश टू सिक्योर माई ट्रिप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं टोटल होके 31,671 रुपये मुझे लगेगा फ्लाइट का सारे लोगों का। और गाइस ऊपर आपको उसका नाम लिखना है, जितने लोग हैं उनका सबका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, मिस्टर है, मिसेस है, यहाँ पे सिलेक्ट करके नाम लिखना है। चिल्ड्रन का है तो चिल्ड्रन का भी नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और गाइस नीचे आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपके ईमेल आईडी में जो टिकट करोगे वो टिकट को आपके ईमेल आईडी में भेज देंगे, आप उसे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप फ्लाइट में जाने के बाद आप उसे दिखा सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल में भी, जीमेल में भी आप दिखा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप एंटर GST डिटेल्स टू क्लेम टैक्स बेनिफिट, आप GST भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके भर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको उसके बाद नाम पता देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे ये फिल कर देता हूँ। तो सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, जिस चीज़ का टिकट है सब कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको बुक फॉर पे क्लिक करना है और आपको इतना रुपये यहाँ पे आपको पे करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्टेट बैंक से, कौन सा बैंक से आप यहाँ से पे करना चाहते हो तो आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डेबिट कार्ड, भीम UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, और यहाँ पे आप पेटीएम पेमेंट बैंक, कौन सा बैंक से आप पैसा यहाँ पे करना चाहते हैं उसमें आप पे करना है। और गाइस आपका टिकट यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद आपका फ्लाइट टिकट बन जाएगा। आप यहाँ पे GMAIL ID में आपको टिकट भेज दिया जाएगा, आप वो GMAIL ID में जो टिकट जाएगा उस टिकट को आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आप फ्लाइट टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं पेटीएम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.